हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। ये दोनों जो है सिमिलर है, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, सिमिलर है, सिमिलरिटी है लेकिन सेम नहीं है, और बढ़िया कंसेप्ट है। और यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट का केस इसलिए बोलते हैं जहाँ पर जिससे कई केस डील हो जाए तो उसको जो है मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम देता हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो इससे फ़ायदा क्या है कि किसी भी पॉइंट पर निकलेगा। किसी भी पॉइंट का मतलब है कि डायपोल के इन डाउन पोजीशन पर भी निकलेगा। जैसे कोई भी अगर मैग्नेटिक डायपोल है, ज़रा बताओ तो साहब, जैसे ये डायपोल अगर है तो आपको पता होता है कि जैसे प्लस है माइनस है होता है, और ये बताओ यहाँ पर अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोलो पहले इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कौन सा पोजीशन बोलते हैं, इनडाउन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनडाउन पोजीशन बोलते हैं। ठंडा हो गया, एकदम गर्म रहना है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनडाउन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो इस पॉइंट को मतलब इस डायपोल के एक्सिस पर कहीं भी, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडाउन पोजीशन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। आई बात समझ में। और अगर पॉइंट इस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये पॉइंट हो जाए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नाम से ही स्पष्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठंडा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही, और इसका एक स्पेशल नाम है, इसका तीन तीन नाम है, इसको ब्रॉडन पोजीशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रॉडन पोजीशन बोला जाता है, ठीक है, आई बात समझ में, ब्रॉडन पोजीशन बोला जाता है। और इसका तीसरा नाम क्या है, हाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, तो ध्यान से देखना इसका मतलब, पढ़ाई लिखाई थोड़ा ठंडा है, बाल बच्चे पर ध्यान ज़्यादा रहता है आप लोगों का, है ना, इसलिए पढ़ाई पर ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फिर सुनिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हुआ ही, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडन पोजीशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, और ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, परपेंडिकुलरली डायपोल को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली डायपोल को बाइसेक्ट करेगा। आई बात समझ में। तो मान लो जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो याद है, क्वेश्चन दे दिया ब्रॉडन पोजीशन, तो कहोगे सर तो बता ही नहीं थे, है ना, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, है कि नहीं। मान लो दे दिया इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस चला गया, है कि नहीं। तो ध्यान रखना है कि उसको क्या क्या बोला जाता है, और नहीं तो जानते हुए फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो जो है आत्मघाती होता है, बाद में जो है ना बड़ा कष्ट होगा, कितना मुश्किल से याद तो किए थे, याद तो था, है ना, लेकिन जो है लिख नहीं पाए, तो इसको ध्यान में रखना है, बात समझ गए ना। तो इसलिए हमने कहा कि इस केस से एक्सियल लाइन पर भी निकलेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी निकलेगा, एक्सियल लाइन पर भी निकलेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी निकलेगा, तो ये इसकी खासियत है, इसलिए इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का केस कह रहा हूँ। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया, ठीक बात है। तो अब आइए समझते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल की, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल की, मैग्नेटिक पोटेंशियल को निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल को निकालना है। अब यहाँ देखिए, यह जो है मैग्नेटिक डायपोल है, ये मान लीजिए यहाँ पर प्लस एम है और यहाँ पर माइनस एम है, इधर प्लस एम माइनस एम,
या इधर भी माइनस इधर प्लस ले सकते हैं, इससे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताइए पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? कोई भी पोटेंशियल स्केलर है साहब? कोई भी पोटेंशियल स्केलर है? मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल स्केलर है? ठीक है। और कोई भी फील्ड वेक्टर है? फिजिक्स का जितना फील्ड है सारा वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिकेट फील्ड नहीं ले लेना, क्रिकेट फील्ड नहीं, फिजिक्स का जितना फील्ड है सारा क्या है? वेक्टर है। आई बात समझ में? तो ठीक बात है। तो देखिए अब इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा ये निकालेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा ये निकालेंगे, है ना, प्लस एम के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस एम के कारण या यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसा एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे कि वेक्टर एडिशन करेंगे? कैसा एडिशन करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है तो फिर वेक्टर एडिशन की बात कहाँ से हो जाएगी इसमें भैया, है ना। सिंपल एडिशन करेंगे, जब क्वांटिटी स्केलर है तो मतलब स्केलर एडिशन मतलब सिंपल एडिशन होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर उसमें वेक्टर एडिशन वाली बात होगी। आई बात समझ में? तो सिंपल एडिशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल प्लस एम के कारण इस पॉइंट पर, क्या यहाँ डायरेक्शन पूछ सकते हैं क्या पोटेंशियल का? पोटेंशियल का डायरेक्शन पूछा जा सकता है क्या? नहीं पूछा जा सकता है। पोटेंशियल जब स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? जब पोटेंशियल स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कहां पर? एट पॉइंट पी पर, किसके कारण? ड्यू टू प्लस एम, है ना, ड्यू टू प्लस एम, ये निकालेंगे पहले। अब यहां देखिए जरा इसके डायग्राम को समझिए, ये बताओ जैसे ये डायपोल है, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, ये डायपोल का सेंटर है, डायपोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या लेते हैं? आर लिए हैं, डायपोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है, और यहां से पॉइंट पी का डिस्टेंस लिए हैं आर वन, और यहां से आर टू है। अच्छा ये बताओ इस फिगर में जो भी आपको लग रहा हो, आर बड़ा कि आर वन बड़ा? आर बड़ा कि आर वन बड़ा? आर वन बड़ा लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब आंख आप लोग का तेज है, जवान आदमी हो, अच्छी बात है, ठीक बात है। अच्छा ये बताओ कि आर बड़ा कि आर टू बड़ा? आर बड़ा कि आर टू बड़ा? आर बड़ा होगा, है ना। ये देखो ये इतना है आर, हमने कहा ये इतना है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है आपका सेंटर से, हमेशा ही डायपोल के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस लिया जाएगा, लिया जाता है, और कितना लिया जाता है? स्मॉल आर लिया जाता है, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, इन जनरल स्मॉल आर लेते हैं, बाकी कुछ भी लीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल आर है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, ये समझ गए। तो यहाँ पर ये जो है ये स्मॉल आर है और ये आर वन है, तो आर वन बड़ा है, ठीक है, आर वन क्या है? बड़ा है, और आर वन को जो है हम आर के रूप में देना चाह रहे हैं, इसके टर्म में देना चाह रहे हैं, आर वन को आर के टर्म में देना चाहते हैं। इसके लिए क्या किया, इसको जो है थोड़ा सा पीछे खींचा, इसको नीचे ले गया, और फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको पीछे ले गया, बढ़ाया, और यहाँ से क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाला। अब ये देखो डायपोल का लेंथ कितना लेते हैं, 2L लेते हैं, तो ये L हो गया, ये L हो गया आधा आधा, और ये एंगल हमने थीटा माना, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, जब पॉइंट कोई भी ले रहे हैं तो कोई भी एंगल होगा, कोई भी जब पॉइंट लेते हैं तो कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ले रहे हैं तो इसलिए 90 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी एंगल की बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये एल है, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ तो साहब, एल कॉस थीटा होगा, ये एल है, यहाँ पर ये क्या है, देखिए एल कॉस थीटा हो जाएगा,
आई बात समझ में? अब जरा गौर करिए, ये R1 है, अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस R प्लस L cos थीटा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों डिस्टेंस जो है ये लगभग बराबर है, चूंकि R1 को R के टर्म में हमें लिखना है, तो ये और ये डिस्टेंस लगभग बराबर होगा, और ये जितना बड़ा था वही एडजस्ट यहाँ पर काट करके किया गया है, जितना बड़ा था उसको यहाँ कंसीडर किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, हो सकता है फिगर बड़ा है तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर छोटा फिगर बना लिया जाए इसका तो कहीं कोई कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। कैसे? देखो, डायपोल का एक्चुअली डिफिनेशन ही होता है कि लेंथ छोटा होना चाहिए। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द डायपोल, लेंथ छोटा होना चाहिए, है ना? लेंथ छोटा होना चाहिए, जैसे ये डायपोल है। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लें, जरा देखिए, यहाँ पर पॉइंट ले लें, फिर यहाँ से ये आपका R1 हो गया, और ये देखिए आपका R2 हो गया, और ये R है। तो अब यहाँ से ये जितना सा बड़ा था, एक तो ऑलरेडी जरा सा बड़ा है, यहाँ पर यही परपेंडिकुलर डाल करके इसको एडजस्ट कर दिया, फिर यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल के एडजस्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो अगर ये फिगर देखें तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं। आई बात समझ में? चूँकि डायपोल का लेंथ हो छोटा होता ही है, ये डिफिनेशन ही कहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायपोल का डिस्टेंस नहीं लेते, और यहाँ पर फिगर बना बनाए हैं, इसलिए लिखने का जगह भी तो मिलना चाहिए। एल कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, जो भी, तो उसका जगह भी तो चाहिए, इसलिए फिगर बड़ा बनाना मजबूरी है। अब इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा होता है उतना बड़ा नहीं ना बनाते हो, क्यों बड़का गोल देते हो एकदम, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में? अब ये बात तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, तो छोटा फिगर बनाने से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिगर बड़ा बनाना समझने के लिए मजबूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो उसी तरह से R2 है, ये R है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ऐसे स्थिति में देखो, अब ये R2 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा, R आपका यहाँ तक है, L cos थीटा को घटा दीजिए, तो ये देखो R माइनस L cos थीटा ये हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको ये लिखा गया, देखिए R1 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। देखो R, R1 इक्वल टू, ये R1 है, इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। बोलो कोई आपत्ति इसमें? क्लियर है? अब उसी तरह से फिर R2 को लिया गया, R2 ये इसके बराबर होगा, क्लियर है ना? तो R माइनस L cos थीटा, और ये अप्रॉक्सीमेशन साइन भी है, अप्रॉक्स होगा, एडजेक्ट वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अप्रॉक्स दिया गया। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P प्लस M के कारण, ठीक है, इसके कारण। तो बोलो साहब कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस के क्यू अपॉन आर। उसी तरह से यहाँ के स्थान पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाए हो गया, बाकी क्यू के स्थान पर यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ एम, और नीचे क्या आर, है ना? तो यहाँ पर यहाँ से डिस्टेंस कितना है? आर वन है, तो ये आर वन हो गया। और पोटेंशियल में निगेटिव साइन भी होता है, लेकिन आपके पास यहाँ दोनों ऑप्शन है, निगेटिव साइन ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, है ना? तो ऐसा करते हैं, इसका जो निगेटिव साइन है वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट निगेटिव साइन, दोनों बातें आप ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। अगर यहाँ लोगे तो फाइनल पोटेंशियल जाएगा उसमें निगेटिव साइन नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ नहीं लेंगे तो फाइनल पोटेंशियल जाएगा वहाँ निगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, इसलिए निगेटिव साइन इसका नेगलेक्ट किया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला माइनस के क्यू अपॉन आर, यहाँ भी तो वही हुआ, के स्थान पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई के, क्यू के स्थान पर पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर के स्थान पर, यहाँ आर वन है। अब फिर देखिए आर वन कितना है यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई,
एम अपॉन आर वन, बोलो साहब आर वन कितना, आर प्लस एल कॉस थीटा, बोलो इसमें कोई तकलीफ है, क्लियर है? ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, वी वन निकला, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर वी वन निकला, वी वन तो निकाल लिए, अब इसके कारण निकालेंगे माइनस एम के कारण, और ये वी टू होगा, नाउ मैग्नेटिक पोटेंशियल, अब किसके कारण मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, निकालना तो पी पर ही है, ड्यू टू माइनस एम, तो क्या करना पड़ेगा साहब, अब इसमें देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, अब यहाँ ये जो प्लस एम है इसके स्थान पर क्या होगा माइनस एम, ये साइन लेना होगा, अपॉन आर के स्थान पर, आर के स्थान पर चलो ये ले लें डायरेक्ट आर माइनस एल कॉस थीटा ले लें, ऐसे तो आर टू होगा लेकिन आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, और यहाँ पर ये निगेटिव जो है ये लेना है, यहाँ का जो निगेटिव है ये आप छोड़ सकते हैं, ये हम लोग इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है, और अगर ये भी लेते और ये भी निगेटिव तब यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल का निगेटिव इग्नोर किए हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड है, अब वी वन मिल गया, वी टू मिल गया, अब क्या करना होगा टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को कैसा एडिशन करना है, सिंपल एडिशन करना है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे ऐड करिए, यहाँ तक हो गया ना सबका, फिर अब क्या करना है टोटल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है ऐड करना है ना, नाउ फॉर टोटल पोटेंशियल, और मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल तो होगा ही, मैग्नेटिक पोटेंशियल तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 के स्थान पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, और V2 के स्थान पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई माइनस एम नीचे आर माइनस एल कॉस थीटा, बोलो साहब कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? अब यहाँ देखिए जो कॉमन है उसको निकाल लेना है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई निकाल लिया, और एम भी कॉमन है निकाल लिया, आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये माइनस ध्यान रहे ये माइनस यहाँ माइनस कर लेगा, ठीक है ना, ये माइनस के वजह से यहाँ माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, बोलो कोई तकलीफ यहाँ तक, ठीक है? तो अब यहाँ देखिए तो इसका अब एलसीएम लेना है, तो यहाँ देखिए अब म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम, और यहाँ जो है ये देखो आर प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा, तो प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, कोई तकलीफ इसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रूप है, अब यहाँ ए प्लस बी है ही, आर प्लस एल कॉस थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यह एक स्टेप और खा लें, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, आर प्लस एल कॉस थीटा है तो आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ देखो ये माइनस वाला आर माइनस एल कॉस थीटा है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ठीक बात है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा आप अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो साहब कोई दिक्कत है इसमें, अब इसमें जो कटे कटाइए जो बचे बचाइए, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस है ये दोनों, तो कितना हो जाएगा साहब म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम, और ये कितना हो जाएगा
2L cos थीटा, और माइनस साइन यहाँ दे दें, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अब जरा गौर से देखो तो m इंटू 2L वाला फैक्टर आया यहाँ पे, m इंटू 2L वाला फैक्टर आया, इसको क्या लिख सकते हैं? m इंटू 2L, यहाँ तक क्लियर है ना? अब फिगर का तो कोई काम नहीं है, इसको हटा दें अब फिगर को। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है ना आपका, अब यहाँ देखिए इसको समझिए। तो यहाँ जो है m इंटू 2L क्या होता है बोलो तो साहब, m इंटू 2L क्या होता है? कैपिटल M, कैपिटल M होता क्या है? मैग्नेटिक डायपोल, क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना? या इसको डायपोल मोमेंट भी कह सकते हो, या इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं, बात एक ही है ना? मान लो उतना ज़्यादा सुकुमार हो, पूरा नहीं बोलने का मन हो, बाल बच्चेदार आदमी हो, है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल दिया, या डायपोल मोमेंट भी चलेगा। और मैग्नेट पढ़ना है तो मैग्नेटिक तो अंडर स्टूड है कि वो रहना ही है, और जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, वह तो अंडर स्टूड है, वह तो रहेगा ही। अब यहाँ देखो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4π एम इंटू 2L क्या हो गया साहब? देखिए कैपिटल M दे दें यहाँ पे, कैपिटल M हो गया, उसके बाद कॉस थीटा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ये चीज को लिखना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रहेगा ही। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे तो यही इसका पोटेंशियल होता है, यही इसका मेन आंसर है, ठीक है? पोटेंशियल के लिए हम लोग यही लेते हैं, लेकिन इसमें जो है अब स्पेशल केस वाली बात होगी। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस में जरा देखिए, फिगर का काम हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए, स्पेशल केस में क्या होगा? अगर स्पेशल केस में अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, ये बताओ साहब कि अगर थीटा जीरो हो जाए तो पॉइंट चला कहाँ जाएगा? थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो पॉइंट कहाँ जाएगा? थीटा जीरो होने का मतलब, थीटा जीरो होने का मतलब जैसे ये मैग्नेटिक डायपोल है तो ये यहाँ पर हो गया एक्सियल लाइन, हो गया एक्सियल लाइन, हो गया एक्सियल लाइन, या इसको और क्या बोलते हैं? इन डाउन पोजिशन बोलते हैं। तो एक्सियल लाइन कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं साहब? इन डाउन पोजिशन बोलते हैं। अगर थीटा जीरो हो तो, अगर थीटा जीरो हो तो क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन, या इसको क्या बोलते हैं? इन डाउन पोजिशन बोलते हैं साहब। तो थीटा जीरो हो गया, इन डाउन पोजिशन हो गया। अब यहाँ थीटा को जीरो कर लो, ऊपर भी नीचे भी, तो साहब बोलो वी कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4π कॉस जीरो वन, कॉस जीरो ठंडा हो जाता है, जरा जोर से बोलो, हाँ कितना हो? एम, और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक तो देखो थीटा जीरो हुआ, और डायपोल का अगर लेंथ भी स्मॉल हो तब क्या हो जाएगा? डायपोल का अगर लेंथ भी स्मॉल हो, एल भी स्मॉल, जबकि होना ही है, तो यहाँ पर देखो कॉस जीरो तो ये तो ठीक बात है, ये वन हो गया, लेकिन एल स्क्वायर का जो है ये भी मैदान साफ हो जाएगा, ठीक है? थीटा जीरो और लेंथ स्मॉल हो तो ये भी साफ कर दें, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन आर स्क्वायर, और यही पोटेंशियल होता है। अब देखो पोटेंशियल का निगेटिव साइन वहां हम लोग छोड़े थे ना, तो यहां पर पोटेंशियल का निगेटिव साइन आपके पास आ गया है, आई बात समझ में? यहां पर पोटेंशियल का निगेटिव साइन आपके पास आ गया है, बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये हुआ जब थीटा
जीरो हो और लेंथ तो स्मॉल लेना ही है ना, क्योंकि स्पेशल केस ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लेंथ तो हम लोग स्मॉल लेते ही हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये इधर ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़रा देखो दूसरा केस भी, ज़रा इसको हम लोग समझ लें। दूसरा केस, केस टू, ये आपका केस वन था, ये आपका केस वन था, और अब आइए केस टू में। केस टू में इफ थीटा इक्वल टू 90, तो सबसे पहले तो बताओ कि साहब पॉइंट कहाँ चला जाएगा अगर थीटा 90 हो गया तो? इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रॉड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और या इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वह याद रखिएगा, ये तीनों चीज बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो साहब, और डायपोल का लेंथ तो स्मॉल होना ही चाहिए, एल जो है ये स्मॉल, लेंथ ऑफ द डायपोल स्मॉल होना चाहिए, और चाहिए ही नहीं एक्चुअली साहब, यह तो डायपोल का डिफिनेशन भी कहता है। डायपोल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल कोई भी, है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे डिफाइन करते हैं, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ आर कैप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज नॉन एज मैग्नेटिक डायपोल। तो ये स्मॉल जो है वह इन जनरल होता है, इसलिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास ये फॉर्मूला, और अभी जो ये लिखाएगा ये जरा देखिए कि क्या हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या हो जाएगा जी, थीटा 90 डालो, पोटेंशियल बताओ, कॉस 90, कॉस 90, मैदान साफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल होता ही नहीं है, जीरो हो जाता है। बात समझ गए ना? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? तो याद रखिएगा, और जब एक्सियल लाइन होता है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें ये बात क्लियर हो गया? और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वह यह होता है कि देखो पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये दो चीज़ हमने दिया है। अब ये बताओ दोनों में कौन सही है, या दोनों सही है? दोनों सही है, दोनों सही है। तो कब ये सही है, कब ये सही है? हाँ ठीक है, बढ़िया, तुम लोग मन खुश कर दिया। ये किसके लिए है साहब, ये किसके लिए हुआ? अभी निकाले हम लोग, देख लीजिए, आर स्क्वायर आ रहा है। अगर डायपोल का केस हो तो ये सही है, और अगर पॉइंट चार्ज या पॉइंट पोल स्ट्रेंथ का केस हो, पॉइंट पोल स्ट्रेंथ का केस हो, तो फिर ये सही है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है ना। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये पोटेंशियल की बात हुई, और आगे हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं। पहले इसको लिख लें। अब आइए नेक्स्ट, इसमें जो टारगेट है हमारा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को निकालना है। क्या करना है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को निकालना है। पहली बात तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटिक इंडक्शन बोले या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटिक फील्ड बोले, सभी बात एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ही निकालना है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटिक इंडक्शन बोले, बात एक ही है। ठीक है, और यह डायपोल है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मतलब यह भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसलिए कि इसमें भी क्या करना है आपको, किसी भी पॉइंट पर निकालना है। क्या करना है? किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, मतलब इंडोन पर भी निकलेगा
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी निकलेगा, कहीं पर भी निकलेगा। यहाँ देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये डायपोल है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये आपका डिस्टेंस आर है, ये थीटा है और ये एंगल क्या है, डी थीटा है। इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को निकालना है। तो सबसे पहली बात, यह जो पॉइंट है, यह तो कोई भी पॉइंट है, यह पॉइंट तो डिसाइडेड है नहीं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा, क्या डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, क्या डिसाइड कर सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल सही बात है, नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए कि जब तक पॉइंट डिसाइडेड नहीं है तो हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी डायरेक्शन को मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन मान लिया कि इस तरफ जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। और ध्यान रहे, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? कोई भी इंटेंसिटी क्या है? कोई भी इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, कोई भी इंटेंसिटी, कोई भी फील्ड वेक्टर है ना। और ये हम बराबर कहते हैं कि पूरे फिजिक्स में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है, पूरे फिजिक्स में दो मेजर कॉन्सेप्ट है, एक वेक्टर कॉन्सेप्ट और दूसरा वेरिएबल कॉन्सेप्ट। और अगर दोनों एक साथ आए तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसमें वेक्टर भी है, वेरिएबल भी है, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन कोई भी मान लिया हमने, तिया जो है इंटेंसिटी का डायरेक्शन मान लिया क्या, बी आर माना, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो, और कंपोनेंट जब भी लिया जाता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता, एक इधर माना और एक इधर माना, और इसका एंगल जो है ये मान लेते हैं लेमडा, और कंपोनेंट इसका आर के अलोंग इधर बी स्मॉल आर दिया इंडिकेशन, और इधर दिया बी थीटा, थीटा के अलोंग दिया बी थीटा, ठीक है। इधर बी आर लिया और इधर बी थीटा, और ये डिस्टेंस आर है, और ये एंगल कितना है थीटा, थीटा एंगल पर क्या लेंगे, डी थीटा ही छोटा एंगल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आर के अलोंग की बात करें तो आर के अलोंग छोटा डिस्टेंस डी आर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला टारगेट मेरा देखो, अगर यहाँ बी आर निकल जाए और बी थीटा निकल जाए, मतलब इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिल जाए और इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिल जाए, तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। yes, क्या करना होगा, मान लो एफ वन इधर, सपोज दो फोर्स है, एक एफ वन इधर एफ टू इधर, तो रिजल्टेंट के लिए रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर कर लेते हैं, यही ना करते हैं, रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर कर लेते हैं। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखो साहब, ये एंगल लेमडा है, तो टारगेट मेरा है बी आर को निकालने का और यहाँ पर बी थीटा को निकालने का, तो क्या करेंगे हम लोग, बी आर को निकालेंगे, बी थीटा को निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो बी आर जो है ये इंटेंसिटी आर के अलोंग है, तो सबसे पहले जो इंटेंसिटी निकालेंगे आर के अलोंग, जो हम लोग बी आर मान रहे हैं, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलोंग आर, पहले क्या करेंगे आर के अलोंग निकालेंगे। तो आइए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अलोंग आर, आर के अलोंग, तो बोलो तो साहब, अब यहां देखो आर के अलोंग इंटेंसिटी बी आर मान रहे हैं, तो पोटेंशियल मेरे पास है, पोटेंशियल का आपके पास अभी हम लोग निकाले थे, और आपको पहले से भी ये पता है, ये फॉर्मूला होता है माइनस मी नॉट अपॉन फोर पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ भी पोटेंशियल का नेगेटिव साइन आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पोटेंशियल का साइन लीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी हम लोग पोटेंशियल का जो है साइन नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, पोटेंशियल का जो है इसको नेगलेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ देखो जब BR आपको निकालना है, अच्छा ये बताओ इंटेंसिटी निकालना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है और BR निकालना है, तो क्या करना चाहिए जो ताकि BR निकलेगा? पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? इंटेंसिटी मिलेगा। पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? इंटेंसिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब तरीका ये होता है कि यहाँ पर माइनस dV अपॉन dr ये करते हैं, माइनस dV अपॉन dr, तो ये माइनस अगर लेते हैं एक ही माइनस अल्टीमेटली होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस ले रहे हैं तो इसको यहाँ पर इग्नोर करना है, ये आपको ध्यान रखना है, एक ही माइनस यहाँ पर होना चाहिए। तो DDR यहाँ पर क्या हो जाएगा? V, तो V का वैल्यू यहाँ पर लेना है म्यू नॉट अपॉन 4πm cos थीटा अपॉन क्या? R स्क्वायर। बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखिए BR कितना हो जाएगा, अब जो इसमें कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया जाए, क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट अपॉन 4π बाहर, एम भी बाहर। अब रेस्पेक्ट किसका है? R का है। जब रेस्पेक्ट R का होगा तो साहब थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर थीटा भी बाहर निकाल लेंगे और DDR अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस ये 1r स्क्वायर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? और ये निगेटिव साइन जो है यहाँ पर ये अपने जगह पर रहेगा, ठीक है। और 1r स्क्वायर को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है 1r स्क्वायर को? डिफ्रेंशिएट करना है। कर सकते हो कि नहीं? तो चलिए पहले यहाँ तक लिखिए और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर। यहाँ तक हो गया ना? तो देखो तो यहाँ पर जो 1r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखो यहाँ पर, इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी याद रखिएगा, इधर मैं कर देता हूँ, DDR ऑफ r टू द पावर माइनस टू क्या होता है? nx n माइनस वन माइनस टू r माइनस टू माइनस वन कितना हो गया? माइनस टू अपॉन आर क्यूब। और इसको डायरेक्ट भी याद रखिएगा आप लोग, r माइनस टू का डिफरेंशिएशन माइनस टू अपॉन आर क्यूब, खास करके अगर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो ये सब इसका फंडा है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। इसलिए कि फिजिक्स का खेल जो है वो दो तीन पावर पर ही चलता है और सबसे ज़्यादा नीचे स्क्वायर मिलेगा, कई जगह पर आप देख रहे हैं आपको अभी तक 25-30 जगह पर मिल चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिला, ग्रेविटेशन में मिला, यहाँ मिला, बायोट सेवर्ट लॉ में मिला, नीचे आर स्क्वायर आता है ना, तो कई जगह पर आपको मिलेगा, दो तीन पावर पर तो फिजिक्स का खेल चलता है, ठीक है। और स्क्वायर नीचे सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए बोल रहे हैं इसको याद रखना है, बहुत जगह आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप जानते हैं ये बात, ठीक है, उतना तो हम भी मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन याद रखने से आपको टाइम सेव होगा। तो माइनस टू अपॉन आर क्यूब, तब यहाँ देखिए BR का वैल्यू कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4π एम कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ देखो 1r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया जी? माइनस टू अपॉन आर क्यूब। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4π और ये क्या हो जाएगा? 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये आपको BR मिल गया और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, म्यू नॉट अपॉन 4π 2m cos थीटा और नीचे आर क्यूब। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक बात है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो BR तो मिल गया और अब हमको क्या निकालना साहब इसमें? अब क्या निकालना है? बी थीटा निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? बी थीटा निकालना है। बी स्मॉल आर ये तो निकल गया, ये निकला अभी है ना, ये एंगल लैम्डा है, ठीक है। बी थीटा ये बताओ, जब BR हम लोग निकाले तो इसके अलॉन्ग स्मॉल डिस्टेंस तो DR लिए, लेकिन अगर बी थीटा निकालना है तो इसके अलॉन्ग स्मॉल डिस्टेंस डी थीटा ले सकते हैं क्या? डी थीटा तो नहीं ले सकते हैं, डी थीटा डिस्टेंस होगा नहीं, तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस क्या लेंगे? ये डिस्टेंस मान लो कि छोटा डिस्टेंस हमने माना, तो इसको क्या ले सकते हैं? ये डिस्टेंस आर डी थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये भी कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं और इसको याद भी रखिए। देखो डी थीटा है ये, तो डी थीटा इक्वल टू आर्क बटे रेडियस, आर्क यहाँ पर पी टी नीचे आर,
तो देख लीजिए पीटी कितने के बराबर हो गया, आरडी थीटा के बराबर हो गया। पीटी कितने के बराबर हो गया, आरडी थीटा के बराबर हो गया। तो इसके अलॉन्ग स्मॉल डिस्टेंस क्या हो गया साहब, ये आरडी थीटा। ठीक है, डी थीटा तो कभी डिस्टेंस हो नहीं सकता, वो तो एंगल हो जाएगा, तो छोटा डिस्टेंस हमको चाहिए ना, तो यहाँ पर आर डी थीटा हो गया। बोलो बात समझ आया कि नहीं। ये वाला फिगर ऐसे भी देखो, जैसे ये वाला जो फिगर है ये, तो यहाँ पर डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क। ये आर्क का काम कर रहा है, पी टी आर्क का काम कर रहा है। नीचे क्या, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, तब यहाँ पर आइए। नाउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एलोंग थीटा, थीटा के एलोंग लेना है, क्या करना है, थीटा के एलोंग लेना है। तो बोलो तो साहब क्या करेंगे, बी थीटा। अब इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ देखो डी डी आर पहले लिए थे, तो डी आर के स्थान पर अब क्या लेंगे, आर डी थीटा लेंगे। पहले डी डी आर लिए थे, अब यहाँ पर क्या लेंगे, आर डी थीटा लेंगे। और उसके बाद अब यहाँ जो पोटेंशियल का जो फार्मूला है ना साहब, इसको बैठा दें। क्या था पोटेंशियल का फार्मूला, बोलो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, हाँ बोलते जाना है जोर जोर से, एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर अब जो है रेस्पेक्ट किसका है, थीटा का रेस्पेक्ट है, तो थीटा को छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, बाहर हो गया है ना, और आर स्क्वायर भी बाहर हो गया, तो ये मिला करके आर क्यूब हो गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई बार एम बार, तो अब आपका बचा क्या, देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम बाय आर क्यूब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये क्या निकाले हम लोग, बी थीटा निकाले, ये मान लीजिए क्वेश्चन टू, तो क्या निकला, बी आर निकल गया और उसके बाद बी थीटा निकल गया, बी आर निकल गया और बी थीटा निकल गया। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो क्या तरीका होगा रिजल्टेंट को निकालने का, देखो बी आर निकल गया और बी थीटा निकल गया, तो रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या करना होगा रिजल्टेंट के लिए, रूट अंडर बी आर का स्क्वायर प्लस बी थीटा का स्क्वायर, इसलिए कि ये दोनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तब रिजल्टेंट निकालना है ना, देखिए रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए ये लिखा हुआ है आप लोग का, तो यहाँ देखिए बी कैपिटल आर लेना होगा, तो रूट अंडर क्या करना पड़ेगा बी आर, और ध्यान देने वाली है कि वेक्टर में जो है इसका मॉड होता है और यहाँ पर बी थीटा का भी मॉड होगा, तो इसलिए बी आर या बी थीटा माइनस में भी अगर कोई है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर भी ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी आर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी थीटा का मॉड का स्क्वायर, बोलो कोई तकलीफ है? और ये वेक्टर के हिसाब से है, दो फोर्स होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें बी आर का वैल्यू बैठाएंगे, बी थीटा का वैल्यू बैठाएंगे। बी आर का वैल्यू कितना है बताइए, ये देखिए आपके पास अभी लिखा हुआ है ना, बी आर का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बी थीटा का वैल्यू यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हुए हैं कितना, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, बोलो कोई तकलीफ इसमें है, क्लियर है? ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका बी आर हो गया, ये आपका बी आर हो गया, और इसमें जिसमें रूट भी है ये स्क्वायर होगा, रूट भी है और स्क्वायर भी है और कॉमन है, वो तो परमानेंट आउट हो जाएगा कि नहीं, जरा ध्यान दीजिए। अब ऐसा टर्म यहाँ चूज करिए जो कि कॉमन है दोनों में, और स्क्वायर तो है ही, रूट तो है ही, इसको ये रूट से भी बाहर आ जाएगा
एम अपॉन आर क्यूब आ जाएगा रूट अंडर। अब यहाँ देखिए, ध्यान दो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कॉमन है, एम भी कॉमन है, आर क्यूब भी कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, टू कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो साहब, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ देखिए, टू कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक बात है। तो अब इसको ऐसा करते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन आर क्यूब, फोर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चार को जो है तीन और एक में तोड़ दिया सिर्फ। और ऐसा क्यों किया, तो अंदर की बात यह है कि ये वन हो जाएगा, वन करने के लिए ऐसा किया। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन आर क्यूब और ये वन हो गया, इधर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, तो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। और यही जो है मेन टारगेट आपके पास बनता है मैग्नीट्यूड का। अब इसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन आर क्यूब रूट अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, है ना, ये मैग्नीट्यूड हुआ। फिर इसमें डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि क्या होता है। पहले लिख लीजिए इसको, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड निकाले हम लोग, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड हुआ। कहाँ पर, एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब आइए डायरेक्शन की बात करें, फॉर डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर ये जो फिगर लिए थे हम लोग, इसमें ये लेमडा निकालना है कि रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट था ना, ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला आर के अलॉन्ग से ये एंगल चाहिए, लेमडा चाहिए, क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। और ये क्या है, बी आर है, ये क्या है, बी थीटा है। अगर ये बी थीटा है तो ये भी कितना होगा, बी थीटा ही होगा, पैरेललोग्राम रूल, ये बी थीटा तो ये बी थीटा। तो यहाँ पर टेन लेमडा बताओ इस ट्रेंगल से साहब, इस ट्रेंगल से, ये वाला जो ट्रेंगल आप देख रहे हो, ये ट्रेंगल देखिए है ना, पी क्यू आर, तो बी थीटा अपॉन बी थीटा अपॉन बी आर, यही ना, जोर से बोलो, सही है, बी थीटा अपॉन बी आर। तो अब यहाँ देखो साहब, बी थीटा अपॉन बी आर, बी थीटा कितना था, अभी लिखा हुआ है बी थीटा के स्थान पर आपके पास ये था म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम साइन थीटा आर क्यूब, और बी आर के स्थान पर आपके पास ये था। तो इसको यहाँ पर लिख दिया जाए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, उसके बाद टू एम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। आई बात समझ में? तो इसमें देखो जो कटे इसको हटाइए, है ना, एम साइन थीटा एक स्टेप और ले लेते हैं, और आर क्यूब है, ये आर क्यूब ऊपर जाएगा, नीचे टू एम कॉस थीटा होगा, तो आर क्यूब भी कट गया, एम एम भी कट गया, क्या बच गया देखो तो, हाफ टेन थीटा आया, तो टेन लेमडा यही होता है, हाफ टेन थीटा, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, टेन लेमडा। और अगर लेमडा की बात करेंगे तो इसको इन्वर्स में डाल देंगे, लेकिन यही याद रखिए ज़्यादा अच्छा है, टेन लेमडा इक्वल टू इतना लेमडा लिखेंगे तो टेन इन्वर्स हाफ टेन थीटा, लेकिन याद रखने के लिए ज़्यादा अच्छा है, टेन लेमडा हाफ टेन थीटा, लेमडा की बात करेंगे तो टेन इन्वर्स हाफ टेन थीटा। तो एंगल की बात हुई, ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ। और अब जो इसमें है ये स्पेशल केस, इसलिए कि यह सुप्रीम कोर्ट का केस है, पहले ही कहा था हमने कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है, है ना, यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो पहले यहाँ जो है हम लोग एनी पॉइंट पर तो निकाल चुके, लेकिन जरा आप सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जरा हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी तो चले नहीं। अब यहाँ देखो स्पेशल केस में आइए, स्पेशल केस, सबसे पहले केस वन, केस वन में
इफ थीटा इक्वल टू जीरो। जरा ध्यान से देखिए, थीटा जैसे जीरो हो गया ना साहब, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ चला गया, एक्सियल लाइन चला गया, एक्सियल लाइन, या इसको और क्या बोलते हैं साहब, और क्या बोलते हैं, इनडाउन पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं या इनडाउन पोजीशन बोलते हैं, बोलो कोई तकलीफ है इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पर साहब आप देखिए, थीटा को जीरो करिए और बी आर बताइए, थीटा को जीरो करिए और बी आर बताइए, बोलो तो बी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा जीरो कॉस जीरो वन, तो ये कितना हो जाएगा, एम अपॉन आर क्यूब, ये ध्यान दीजिए, थ्री प्लस वन फोर हो गया, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू एम अपॉन आर क्यूब। और ऐसे भी याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ये एक्सियल लाइन पर इतना इंटेंसिटी होता है टू एम अपॉन आर क्यूब, ये बताओ इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ होता है, एक्सियल लाइन पर या ब्रॉडन पोजीशन पे, एक्सियल लाइन पर या ब्रॉडन पोजीशन पर, तो एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर दोगुना होता है, ये टू आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक्सियल लाइन पर हुआ और यह जो है इंटेंसिटी हुआ। जरा डायरेक्शन को भी देख लें हम लोग 10 लेमडा के हिसाब से, जरा इसको भी देख लें, देखिए 10 लेमडा, 10 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 10 थीटा, तो थीटा तो आपका फिर जीरो हो गया, थीटा कितना है जीरो, तो 10 जीरो जीरो, तो लेमडा कितना हो गया जीरो, तो यहाँ पर लेमडा जीरो हो गया, मतलब इंटेंसिटी जो है लेमडा जीरो का मतलब वो आर के अलॉन्ग ही इंटेंसिटी होगा, लेमडा जीरो होने का मतलब आर के अलॉन्ग ही इंटेंसिटी होगा, आई बात समझ में, लेमडा जीरो होने का मतलब इंटेंसिटी आर के अलॉन्ग ही होगा, बोलो कोई तकलीफ इसमें, क्लियर है। अब यहाँ देखो, ये आपका केस वन था, अब आपका फिर यहाँ इम्पोर्टेंट केस, केस टू, केस टू की बात करें, अब लीजिए इस फिगर को भी मैं हटा देता हूँ, ये लिखा हुआ आपका केस टू आ जाइए, अब केस टू बोलो साहब, अगर थीटा 90 हो तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बायसेक्टर होगा, थीटा 90 का मतलब परपेंडिकुलर बायसेक्टर तो बोलेंगे ही, और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, बोलते हैं ना, इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, सही बात है। अब जरा देखो, थीटा अगर 90 हो तो क्या होगा, अब यहाँ चले आइए, थीटा को 90 कर दीजिए साहब, कॉस 90, कॉस 90, तो इसका मैदान साफ हो गया, वन सिर्फ बचेगा, तो अब देखिए साहब आपके पास बी आर कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन आर क्यूब, ये तो आपका साफ हो गया, बचा रूट वन, तो बस इतना ही हो गया, yes. नहीं yes, yes. इतना ही हो गया और इतना ही आना भी चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, यह है आपका एक्सियल लाइन पर, ये टू आया था, यहाँ टू नहीं होगा, फर्क यही है, ठीक है, yes, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, yes, तो यहाँ एम बाय आर क्यूब। अब फिर यहाँ देख लीजिए, जरा डायरेक्शन की बात करें, जरा 10 लेमडा भी निकाल लें साहब, 10 लेमडा कितना होगा, जरा इसको भी निकाल लें, तो बोलो 10 लेमडा के लिए क्या करोगे, 10 लेमडा इक्वल टू हाफ 10 थीटा, थीटा 90, तो 10 90 कितना, 10 90 इन्फिनिटी होता है साहब, है ना, 10 90 इन्फिनिटी, तो 10 लेमडा इन्फिनिटी, तो लेमडा 90, 10 लेमडा इन्फिनिटी, तो लेमडा 90, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बहुत खास मतलब है इसका, परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ माइनस एम ये था, ये प्लस एम, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है, जरा ध्यान से देखिए,
लैम्डा 90 का क्या मतलब है? इसमें देखो, ये लैम्डा 90 आया, लैम्डा जो हम लोग लिए थे ये आर था, आर के अलोंग से ये एंगल लैम्डा था, तो ये अब कह रहा है कि 90 होगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी आर है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इधर होगा, और इधर भी हो सकता है। तो मतलब याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर जो इंटेंसिटी होता है ये डायपोल के एक्सिस के पैरेलल होता है, डायपोल के एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या होता है, जोर से बोलो, जवान आदमी या ठंडा हो जाता है। हाँ, डायपोल के एक्सिस के पैरेलल होता है, याद रखना है, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब इसलिए कि अगर इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो 90 ये लैम्डा है, ये लैम्डा निकला, ये तो इसके हिसाब से निकला। और अगर ये मान लो नहीं पता है तो प्रैक्टिकल तौर पर भी सोच के देख लो, प्रैक्टिकल तौर पर भी सोच के देखें। बोलो साहब, यहाँ पर क्या लेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल लेंगे? Yes. निकालना अगर है कि यहाँ पर क्या होगा डायरेक्शन, माइनस एम के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी किधर, अट्रैक्शन इधर, प्लस एम के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी किधर, इधर। देख लीजिए, एक इंटेंसिटी मान लो बी वन इधर, बी टू इधर, या जो भी एफ वन इधर, एफ टू इधर, रिजल्टेंट किधर, इधर चला गया। आई बात समझ में? अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप प्रैक्टिकल तौर पर ऐसे चलिए, फिजिक्स के अनुसार चलिए। तो ये इसी बात का वेरीफाई किया कि साहब ये लैम्डा आर के लॉन्ग से 90 है, ये तो थीटा अलग था, ये लैम्डा जो है डायरेक्शन के लिए है, तो इसके लॉन्ग से ये 90 है, ठीक है। और जहाँ इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं वहाँ पर क्या लेते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको कि टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। और यही बात जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना। अब इसी में इसको अगर पलट देंगे तो फिर इधर आ जाएगा, है ना। चलो इसको पलट देते हैं, यहाँ प्लस कर दिया, अब यहाँ माइनस कर दिया, तो बोलो तो साहब इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी किधर, प्लस प्लस इधर, इसके कारण इंटेंसिटी किधर, इधर, रिजल्टेंट किधर, दोनों के बीच में आगे एक्सेल लाइन पर। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इस बात को लिख भी लीजिए स्टार मार्किंग में, लिखा भी देते हैं कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर, नीचे लिख देता हूं यहां पर, ऑन द परपेंडिकुलर बायसेक्टर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आप ब्रैकेट में यहां डायरेक्शन वाली बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज पैरेलल पैरेलल टू द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल एट द परपेंडिकुलर बायसेक्टर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। पैरेलल होगा, पैरेलल इसलिए कि अब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि डायपोल में प्लस माइनस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायपोल तो एक सिस्टम है, जैसे इसको ऐसे घुमा दिए, ये माइनस इधर आ गया, ये प्लस इधर आ गया, है ना। बोलो ये बात क्लियर हुआ या नहीं? ये बात समझ में आया? तो इसलिए क्या देखिए, एक्सियल लाइन पर भी पता चला, परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर भी पता चला, और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस बात को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी अराइजेस फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ देखो, ये एक्सियल लाइन पर 2m/r³ है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर m/r³ है, तो ज़्यादा कहाँ पर होता है, ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा एक्सियल लाइन पर,
परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर इंटेंसिटी कम होता है और एक्सियल लाइन पर ज़्यादा होता है। इसको ऐसे याद रखना, अगर एकदम सीधा चले तो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ोगे, आ जहाँ इधर उधर हुआ, समझ गया ना, जवान आदमी है अब तो इतना काफ़ी है ना, इसका मतलब इंटेंसिटी घट जाएगा, बात समझ गया ना। तो सीधा लाइन पे चलो, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, पढ़ाई का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ डेविएशन हो गया इधर या इधर या इधर, इंटेंसिटी घट जाएगा। अब ऐसे याद रहेगा, शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है, बात समझ गया ना शिवम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों बात समझ याद रखना, क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट याद रहेगा। तो चलो ठीक है, तो आज इतना ही, मैं आर के जय सर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है, और अगर क्लास में फ़ायदा हुआ हो, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।